मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें मेरा पासपोर्ट पैसा वैसा सब चोरी हो गया। उसके बाद 6 महीने बाद किसी ने मेरे साथ जॉब के चक्कर में फ्रॉड करके 7.5 लाख रुपये ले लिए। फिर भी हम संयम बनाए रहे, अपने कर्म के पथ पे चलते रहे, काफ़ी ठीक है। जून महीने में एक दिवसीय हवन किया। खुश हो गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश नहीं बेटा, जून महीने में आए थे, पति पत्नी दोनों आए थे, आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, बट नहीं हो पाए, आप बाहर थे। हम लोग 2 दिन से और आए कि अब गुरु जी से मिलके ही जाना है। ऐसा है कि बिना आपके दर्शन शांति होती नहीं। हवन करवाया, वन डे हवन किया, लेकिन आपके दर्शन मात्र से ही काफ़ी आनंदित हैं। खुश प्रसन्न गुरु जी, पहले सब ठीक था, 1.5-2 साल से कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई कि मेरे को आपके यूट्यूब माध्यम से आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके चरणों में हम आज उपस्थित हैं। बात ऐसी है सर, गुरु जी की मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें मेरा पासपोर्ट पैसा वैसा सब चोरी हो गया। उसके बाद 6 महीने बाद किसी ने मेरे साथ जॉब के चक्कर में फ्रॉड करके 7.5 लाख रुपया ले लिए। फिर भी हम संयम बनाए रहे, अपने कर्म के पथ पे चलते रहे, काफ़ी ठीक है। जून महीने में एक दिवसीय हवन किया। मैं तो ठीक ही हूँ ऐसा मुझे प्रतीत होता है, बट अंदर क्या है वो आप ही जानते हैं गुरु जी। वाइफ के साथ भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया ऐसा है, लेकिन एक दिवसीय हवन के बाद बहुत शांति हुई है वाइफ को। पहले तो प्रतीत ही नहीं होता था कष्ट क्या है। यस करेक्ट, अब तो प्रतीत ही होने लगा है कि हाँ ये कष्ट है। तो गुरु जी बस आपको लीवर सिरोसिस हो रहा था। अच्छा, पता है अब आप बहुत अच्छे हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी जो लेफ्ट किडनी है वो श्रिंक हो रही थी और पेनक्रियास में इन्फेक्शन हो रहे थे। ऐसे तमाम रोग कष्ट थे जो चले गए हैं, है ना। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब फील होते थे गुरु जी। एक सुसाइडियल थॉट्स आते थे गुरु जी। पत्नी का एक प्रश्न था, इनका क्या था कि पहले ये बहुत मतलब बच्चों के प्रति बहुत चिंतित रहती थी, तो किसी का फोन आ गया, इनको हमेशा लगता है कोई ना कोई माँ बहन उनको लाइए, कोई ना कोई कुछ करता रहता है। मिस कॉल मात्र से इनका दिमाग एकदम भ्रमित हो जाता है, एकदम पेन होती है, 2 दिन में तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाद वो छोड़ दीजिए, इन्हें लगेगा कुछ भी नहीं है। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। प्रणाम गुरु जी। आपको इनको भयंकर OCD थी, खूब चिड़चिड़ापन, किसी से बात करने की इच्छा ना होना और संबंध किसी से रखने की इच्छा ही नहीं थी होती, वो सब नष्ट हो गए। इनको लगता था अकेले रहना है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करो, अकेले पड़े रहो, कोई बोले नहीं है। और शरीर ये जो भारीपन बना हुआ ना, ये गंदगी के कारण बना, बहुत गंदगी होती थी इनके साथ। गुरु जी कोई परेशान कर रहा है? हमेशा ध्यान रखो कि स्वयं पे विश्वास बड़ा है, ईश्वर विश्वास सबसे बड़ा है, ठीक है। तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़ करके अपने को नष्ट करते रहे, कुछ हुआ तो तब भी समझ नहीं आया कि सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो, हैं? गुरु जी एक और प्रश्न क्लियर करना था, कभी भी किसी का फ़ोन आ जाता है, किसी का कॉल आ जाता है, मिस कॉल आ जाता है, तो इनका दिमाग भी बहुत भ्रमित हो जाता है, 2 दिन बहुत परेशान रहती हैं, फिर स्वयं ही ठीक हो जाती हैं। इसका थोड़ा सा गुरु जी मार्गदर्शन कर देते। वही बता देंगे क्यों होता है, क्योंकि शक की बहुत हो गई थी, शक बहुत हो गया था इनके अंदर, शक की भरमार हो गई थी। पूछ लीजिए हाँ या ना। हाँ, अब है शक कोई? नहीं अभी तो नहीं लग रहा। यही है, तो ये सब गलत ऊर्जा आपको घुमाती है दाएं बाएं। आप अच्छे खड़े हो दरबार में, ठीक है, बढ़िया जाइए वहाँ के बिहारी मंदिर में, दिन में 5 बार दर्शन करिए प्रभु के, ठीक है ना। अदरवाइज आपको ऐसा लगता था बच्चा पेट में ही घूम रहा है। हाँ। वो लगता था। हाँ। तो नकली चीज़ें, नकली चीज़ों की आप पूजा करोगी तो यही सब होगा। आपको वाकई में कृष्ण से अनुराग है, प्रेम है, बाकी बिहारी से उनके मंदिर में जाओ, वहाँ हाजिरी लगाओ, एक परिक्रमा करो, ठीक है। 2 बार किए हैं परिक्रमा और अभी इनको हम कर देंगे। वो परिक्रमा किया तभी यहाँ तक पहुँच गए ना, सही बात है गुरु जी, उसी पुण्य से। गुरु जी DNA में 4 लोग हैं, 2 बच्चे भी हैं हमारे, अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। संकल्प करा दिए, केवल संकल्प करा दिए, प्रार्थना संकल्प कराने से अच्छे हो जाते हैं। खुश रहो बेटा।
सब अच्छे हैं।